So hello and good morning guys, welcome to the channel once again. I hope you all are doing all right. तो फिलहाल बजे है सुबह के 11:30 एंड मैं हूँ पुणे में और मैं निकला हूँ पुणे को एक्सप्लोर करने के लिए. तो आज हम लोग जा रहे हैं सिंहगढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए एंड मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है राइडर दर्शन और हमारे कुछ फ्रेंड्स. वेल, मेरे साथ है दर्शन, दर्शन के कुछ फ्रेंड्स जो कि मेरे भी फ्रेंड बन चुके हैं अभी एंड एंजॉय करने वाले हैं आज की इस छोटी सी ट्रिप को और सिंहगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे. फिर से वही सिग्नल पे रुकना पड़ा यार, मानना पड़ेगा यार, पुणे की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना. तो भाई साहब, रात को दर्शन और लोकेश ने ऐसी ऐसी कहानियां बताया ना कि भाई रात भर नींद नहीं लगी और ऊपर से ठंडी, राइट ना. तो भैया हमारे नीलिमा की जो है पेट पूजा कर लेते हैं एंड हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है तो हमारे बारे में भी सोचना पड़ेगा. बचपन से ही हर किसी का शौक होता है कि भाई महाराष्ट्र की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, गढ़ किले शिवाजी महाराज ने जो बनाए थे उसे एक्सप्लोर करना, और मेरा भी वैसा ही कोई सपना है एंड टुडे आई एम एक्सप्लोरिंग ऑल दैट थिंग्स. दिस खड़कवासला डैम एंड मैप में दिखा रहा है बहुत बड़ा डैम है गाइज, ये बहुत ज़्यादा बड़ा. और यहाँ पर अचानक से टेम्परेचर जो है डाउन हो गया है ना, पेड़ पौधे ज़्यादा है ना, यही तो है महाराष्ट्र की ब्यूटी. See that beauty guys, this is खड़कवासला डैम. आते समय यहाँ पर फोटोज खिंचवाएंगे अगर समय मिला तो. पूरे पुणे को यहाँ से पानी जाता है. ओके, तो अनिश भैया बता रहे हैं कि पूरे पुणे को जो है यहीं से पानी जाता है और बहुत बड़ा डैम है गाइस, और मेरे ख्याल से ये पिकनिक स्पॉट भी है. बहुत मजा आ रहा है सच में. एंड एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जिस बोर्ड में मैं पढ़ा ना, तो हमारे करिकुलम में शिवाजी महाराज एंड महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में बहुत कम जिक्र है. तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो इफ़ एनीवेयर आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कर लेना. आगे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है.
वर्क इन प्रोग्रेस। भैया जहां जहां से जगह मिलती है ना निकल लो, क्योंकि सिंहवाड़ा होटल के नीचे में और मीट माय फ्रेंड्स, दिस इज दर्शन और मैगी खिलाने वाला दर्शन एंड ही इज अमित भाई। हाउ आर यू? गुड गुड। आपका नाम? अंकित। ये है अनूप भैया, कैसे हो? और मज़ा आ रहा है अभी तक के? एक्चुअल मज़ा तो ऊपर जाने के बाद आएगा, है ना? एंड ही इज लोकेश। अरे भाई, ये भूत की कहानी ऐसी सुना है, मैं सच बता रहा हूँ, रात भर नींद नहीं आई सच में। कम से कम 3-1 घंटा तो मैं उसी के बारे में सोचता रहा, पड़ गई। एंड ही इज अनुज भाई, इनसे मैं ऑलरेडी मिलवा चुका हूँ आपको। मैंने लेकिन हेलमेट बन गए थे ना, कोई टेंशन नहीं। मैं बोला इनको क्या हो गया अचानक में इतना स्पीड। वेल गाइज, अभी हम लोग हैं सिंहवाड़ा में, जो कि होटल का नाम है, और हमने ऑर्डर किया है वड़ा पाव और फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं। भाई कैसा? अच्छा पहले ये बताओ कि कैसा बनाते हैं इसको? बनाया जा रहा है। दर्शन भाई मेरे लिए तो बना दो। सो स्टार्ट। अच्छा सर, बात अभी फाड़ा है सर, ओपन कर वाला। ये चटनी लगा, ये चटनी का की है? चटनी वो मिक्स रहता है, इसको लसन की चटनी बोला जाता है। और उसमें लसन की चटनी रहता है, लसन चिंगड़ा नहीं। हाँ बस लसना की चटनी बना सर। ओके, सो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, डालेंगे वड़ा। अदरवाइज यू कैन टेक दिस सॉस भी डालेंगे। नीचे से डालो। क्या गिर रहा? सो हल्ला चल रहा। Alright, so here is my वड़ा पाव। नागपुर में पता है क्या? हाँ। इसको ये करते हैं अपना। तो इस प्लेस में मुझे राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहली बात, पर सबसे पहले जो है हमको टिकट देनी पड़ती है बाइक के लिए, 50 rupees पर बाइक। तो हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं, तो वी हैव टू पे 200 rupees। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से ये जो चार्जेस है वो लगाए जाते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नीचे उतरने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ऐसे रास्तों से काफी स्लो चलाना पड़ता है और टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ पर। ओ भाई साहब, व्हाट इज दिस मैन? नीलिमा नीलिमा नीलिमा, जो कुछ है तुम्हारे हाथ में। अभी आ रहा है ना मज़ा। असली घाट जो है अभी स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, एंड यहाँ पर राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। नीचे देखने में आपको पूरी सिटी देखने को मिलेगी। ओ हो, स्टीप
एंड बहुत ही खूबसूरत। यो 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 मजा आ रहा है ब्रो। भाई साहब नीलिमा 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 फट रही है ब्रो। लेफ्ट फाइनली गाइज हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क करते हैं और फटाफट से निकलते हैं ट्रेकिंग के लिए।